जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था पहले कि स्टार कनेक्शन जो होता है, स्टार कनेक्शन में जो है अपने आर वाई भी तीनों फेज में अपन क्या करते हैं, या तो तीनों फेज के एक से प्राइमरी सीरो को शॉर्ट कर दो या तो एंडिंग सीरो को शॉर्ट कर दो। तो जो शॉर्ट करने के बाद जो तीसरा पॉइंट निकलता है वो होता है अपना न्यूट्रल पॉइंट। यहाँ पर आप देखोगे इस तरीके से कि यहाँ आर वाई भी जो तीनों फेज है, आर वाई भी तीनों फेज है, ये तीनों फेज जो आए हुए हैं तो यहाँ हमने स्टार कनेक्शन किया हुआ है। स्टार कनेक्शन करने के बाद में यहाँ ये तीनों को मिला दिया। तीनों को मिलाने में क्या हुआ कि ये जो है तीनों के कॉमन पॉइंट बन गए, ये पॉइंट अपना न्यूट्रल पॉइंट कहलाएगा। जब आप इसको चालू करोगे तो चालू करने के बाद जब इसको टेस्ट करोगे तो टेस्ट करने पे आपको ये लगेगा, यहाँ पर जब आप पकड़ोगे तो आपको करंट नहीं लगेगा। इसका मतलब क्या है कि ये जो पॉइंट है ये न्यूट्रल पॉइंट बन चुका है। तो अभी हम चेक करते हैं, पकड़ो इसको, लग रहा करंट नहीं लग रहा। इसका मतलब क्या है, ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट, ये वही न्यूट्रल पॉइंट है जो आपके खंभों से होता हुआ हमारे घर तक आता है। ये हमारे पास क्या होता है, खंभों पे एक फेज आता है और एक न्यूट्रल आता है। तो न्यूट्रल हम इस तरीके से स्टार पॉइंट बनाकर जो है न्यूट्रल पॉइंट बना सकते हैं। तो ये विधि हमको वहाँ यूज करनी है जहाँ पर थ्री फेज सप्लाई तो है लेकिन हमारे पास में न्यूट्रल की व्यवस्था नहीं है। तो वहाँ हमको न्यूट्रल बनाने के लिए जो है थ्री फेज सप्लाई का इस तरीके से कनेक्शन करना है और कनेक्शन करने के बाद में न्यूट्रल पॉइंट हमको तैयार करना है, ताकि सिंगल फेज वाली कोई यदि मोटर है तो सिंगल फेज वाली मोटर को चलाने के लिए हमको एक फेज और एक न्यूट्रल की आवश्यकता होगी। चूंकि हमारे पास फेज तो है, न्यूट्रल नहीं है, तो हमने क्या किया, स्टार पॉइंट बनाया। स्टार पॉइंट से हमने न्यूट्रल का निर्माण कर लिया। अब इस न्यूट्रल से आप किसी भी मोटर को फेज और न्यूट्रल का यूज करके चला सकते हो, ठीक है। तो ये जो पॉइंट कहलाता है हमारा, ये कहलाता है स्टार पॉइंट। और ये जो विधि है ये हमारी कहलाती है दो वाट मीटर विधि द्वारा। हमने क्या किया कि स्टार कनेक्शन बनाकर देखा और स्टार कनेक्शन से न्यूट्रल पॉइंट बनाकर देखा, ठीक है। तीसरा फेज यहाँ से तीनों के वायर इकट्ठे आए एक जगह, तीन वायर ऐसे तीनों वायर को टच कर, यदि दो वायर रहेगा और दो को यदि आप टच कर दोगे तो फॉल्ट हो जाएगा, लाइट भी फॉल्ट हो जाएगी। क्यों ये फेज टू फेज हो जाएगा। और जब तीनों इकट्ठे होंगे तो तीनों मिलकर कॉमन पॉइंट का निर्माण कर, यही वैज्ञानिक तत्व होता है।